होली में भाभी के चोली के अंदर रंग डालने वाले भोजपुरी सिंगरों, अब तुम्हारी खैर नहीं। जो है भाभी के ऊपर गाना गाने वाले माँ बहन बेटी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले सिंगरों, अब तुम्हारी खैर नहीं, सावधान हो जाइए। काहे कि भोजपुरी गाना में अश्लीलता और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पर कार्रवाई होगी। ऐसा मैं नहीं बल्कि विधानसभा में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री ने इसकी घोषणा की है और इसके ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है। तो चोली ढोड़ी घाघरा पेटीकोट ब्लाउज ऐरान बबुआन बेटी का नाम लेकर गाने वाले सिंगरों, अब सावधान हो जाइए। कहे कि अब पुलिस भी नकेल आपके ऊपर कसेगी नकेल, और अब विधानसभा के ऊपर एक जो है जागरूक महिला ने विधानसभा के ऊपर आवाज उठाई है। अभी हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि जो काम आज हो रहा है ये पहले हो जाता तो जो बहन बेटी के ऊपर गाना गा दिया जाता है, चोली ढोड़ी पेटीकोट ब्लाउज के ऊपर गाना गा दिया जाता है, इसके ऊपर पहले ही लगाम लग गई होती। ये जो सिंगर आ रहे हैं ये किसी भी नेता के ऊपर गाना गा दे रहे हैं तो इसके ऊपर भी लगाम लग गई होती। कोई भी सिंगर आ रहा है और होली पर भाभी के चोली में रंग डाल दे रहा है खोलकर, तो उसके ऊपर भी लगाम लग गई होती। तो माननीय प्रतिमा जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने विधानसभा में इस चीज को उठाया और भोजपुरी की अस्मिता को बचाने के लिए, उसके मान और सम्मान के लिए विधानसभा के अंदर तमाम लोगों के बीच में प्रतिमा जी ने इस बात को रखा। तो सर क्या ये बताइए कि क्या प्रतिमा जी के आवाज उठाने से और इसके बाद विधानसभा में इस पर चर्चा होने पर क्या भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो जाएगी? क्या सिंगर लोग भाभी के चोली में रंग डालना बंद कर देंगे या चोली के अंदर रंग डालते रहेंगे हर बार होली में? देखिए, ये जो आज विधानसभा के अंदर यदि ये बातें उठी है तो इसका श्रेय सबसे पहले मैं यदि किसी को दूंगा तो कुछ पत्रकार बंधु हमेशा अश्लीलता के खिलाफ बहुत मुखर होकर एक अभियान चलाए। मुझे याद है कि हिमांशी जी हैं और भी बहुत सारे पत्रकार का, वो बहुत बेबाकी से इस चीज को ले लड़े। ये हम सब लोगों की सर मुहिम थी कि भोजपुरी से अश्लीलता गायब हो, और हम लोग सच सब लोग विगत कई सालों से इस मुद्दे पर बात कर रहे थे और आज देर सुनी गई लेकिन दुरुस्त सुनी गई, विधानसभा के अंदर इस बातों को उठाया गया। तो आपका तो विशेष योगदान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने हमेशा से समाज के हर कुरीति के खिलाफ आपने इस माइक के माध्यम से आवाज उठाया, और ये आप लोगों का सामूहिक प्रयास जो रहा वो प्रयास आज एक रंग लाया कि इस पर विधानसभा के अंदर अब चर्चाएं होने लगी है। इससे पूर्व की बात मैं बता दूं कि जातिगत तनाव को पैदा करने के लिए पुलिस मुख्यालय से एक विज्ञप्ति जारी करके बताया गया कि जातिगत शब्दों का प्रयोग करके यदि गाना गाएंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा एक सवाल फिर रह जाता है, 15 फरवरी 2023 को मेरा सवाल ये रह जाता है कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? आखिर मनोबल क्यों नहीं, केवल घोषणा कागज पर होता है और उसके बाद कितने गाने आए रिलीज हुए ये भी एक मायने रखता है। तो चर्चाएं कर देना, बात कर देना, तो जिस तरीके से एक दारूबंदी के खिलाफ मुहिम मुख्यमंत्री जी चलाए हुए हैं उसी तरीके से इसकी एक मुहिम चलानी चाहिए और इसमें ज्यादा एनर्जी की एक महीना के अंदर सभी चूंकि रिकॉर्डेड है, एक महीना के अंदर में यदि कार्रवाई होने लगेगी तो जितने गाने भोजपुरी में अश्लील हैं सब चैनल से डिलीट होना शुरू हो जाएगा, अपने आप लोग करने लगेंगे। लेकिन सरकार को इस पर सजग होना पड़ेगा, केवल वो पेपर में बयानबाजी से नहीं होगा। एक तरफ हिंदी बोलने के लिए लोगों को मारा जा रहा है और भोजपुरी जिसकी अस्मिता इतनी बड़ी है वो भोजपुरी में अश्लीलता परोसी जा रही है और भोजपुरी को हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। बताइए, भोजपुरी तमिल तेलुगु कन्नाडा मलयालम भाषा के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, लोग हिंदी भाषी लोगों को भगा रहे हैं और भोजपुरी में किसी का भी पेटीकोट खोल दो, ब्लाउज खोल दो, चोली खोल दो, घाघरा खोल दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, अलग अलग राय हो सकता है। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से एक जमाने में आप देखते थे कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, निवस्त्र हो रही थी और उनको कोई नहीं सहारा मिला तो श्री कृष्ण उनका लाज बचाए, ठीक उसी तरीके से आज भोजपुरी का चीरहरण हो रहा है, उसको बचाने वाले कोई नहीं है, वो तो आप मीडिया कर्मी हैं कुछ लोग जो उसको श्री कृष्ण के भांति उनके आवरण को ढके हुए हैं, नहीं तो इतनी अश्लीलता आ गई है कि कोई भी सभ्य समाज आज के में भोजपुरी गाने को अपने परिवार में बच्चों के साथ सुनना पसंद नहीं करते। अच्छा सर, ये एक चीज ये बताइए मुझे कि क्या छोटे सिंगरों पर ही कार्रवाई होगी या जो है पावर स्टार सुपर स्टार ट्रेंडिंग मशीन हिट मशीन गन मशीन हिरान स्टार भगवान स्टार भूमिहारान स्टार पंडिताइन स्टार जो है बैस स्टार सूरदीर स्टार इसके बाद जितना भी स्टार है सब, चंद्रमा में इतना स्टार नहीं होगा, जो है आसमान में इतना स्टार नहीं होगा जितना इस धरती पर स्टार है, तो इन बड़े बड़े स्टारों पर भी कार्रवाई होगी या सिर्फ छोटे सिंगरों को ही मोहरा बनाकर जेल में भेजा जाएगा? देखिए, बहुत
गंभीर बात आपने उठाया और गंभीरता से मैंने आपके सवाल चीज को मैं एक मिनट में बता रहा हूँ। देखिए आखिर क्यों गाने गा रहे हैं लोग, तो इसके पीछे रीजन और बहुत ही बेबाकी, ये मत कहिएगा कि हम सुनते हैं इसलिए। नहीं नहीं, मैं बेबाकी से बात कर रहा हूँ। इसको प्रेरणा कहाँ से मिली और प्रेरणा उसको मिलती है कहाँ से, वो समझे कि कुछ लोग बुरे चीज से स्टार्ट करते हैं उसको भी समाज में जो है सो धीरे धीरे, और जो जिम्मेदार लोग हैं उसको प्रोजेक्ट करते हैं अपने चंद फायदों के लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि सनी लियोन का बैकग्राउंड देखिए कहाँ से उठी वो, और उसको कपिल शर्मा के शो में प्रस्तुत किया गया, फैमिली शो है वहां उस प्लेटफॉर्म पर उसको दिया गया, और जब कपिल शर्मा के शो में सनी लियोन का प्रोग्राम हो रहा था तो एक छोटा सा बच्चा पूछता है कि सनी लियोन कौन कौन है पापा बताइए, तो क्या उनका पापा बताएंगे कि बेटा इसका बैकग्राउंड ये है, और वहां उसी मंच पर खान साहब को मंत्रित किया जाता है और खान साहब जाते हैं, तो लोगों को भले ही लगे कि खान साहब को उनका सम्मान बढ़ा है, मैं कह रहा हूं कि आपका अपमान हुआ कि जिस कुर्सी पर सनी लियोन को बुलाया गया उसी प्लेटफॉर्म पर आपको बुलाया गया और आप गए और आपको लगा कि मेरी लोकप्रियता है, आप इस आपको कहीं जाने से परहेज भी करना चाहिए। मैं कहता हूं कि जिम्मेदार जिस चैनल ने अपने चंद पैसों के लिए सनी लियोन जैसे लोगों को प्रोजेक्ट किया तो वहां से एक प्रेरणा का स्रोत मिलता है। जो जो अयोग्य लोग कुर्सी बदल दी गई हो तो क्या क्या कीजिए, पोंछा मार दिया गया, चैनल और फॉर्म और नाम और होस्ट वो नहीं बदला जा सकता है। आप ये चीज देखिए कि समाज में गंदे चीजों को भी किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। रवि जी मैं आपको भी निवेदन करता हूँ, आपको कभी यदि कपिल शर्मा के शो में यदि जाने का मौका लगे तो ये बात जरूर कहिएगा कि इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा, आपके चैनल पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तब तक, क्योंकि आप गंदे लोगों को जब तक यहाँ से प्रोजेक्ट करना बंद नहीं करेंगे। ये एक आप समझिए ना कि फैमिली शो है, उस पर क्या जरूरी है कि सनी लियोन जैसे लोगों का आप उसका परिचय क्या है, बच्चे फैमिली में मैं ये नहीं करूंगा परिचय दे दिया जाए कि पोर्न स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई हैं। वो इस पोर्न स्टार क्या बच्चा जानता है, उसको बताता है जब कौन है सनी लियोन। देखिए सर, जिसको कोई नहीं स्वीकार करता उसको बॉलीवुड वाले स्वीकार कर लेते हैं। बॉलीवुड की बात नहीं है, मैं ये इसलिए आखिर कहिएगा कि वो बॉलीवुड का अलग है, हर चीज का एक प्लेटफॉर्म है, एडल्ट मूवी भी चलती है यहाँ पर, उसके लिए है कि इतने वर्ष के ये होने चाहिए। आप उसको भी स्टार मानते हैं और उसको आप उस प्लेटफॉर्म पे लाते जो फैमिली शो है। कपिल शर्मा का शो एक बहुत ही फैमिली शो है, लोग घर में बैठते हैं। मुझे शर्म उस बात को ही कि जब मैंने देखा वीडियो में कि पॉर्न स्टार वो आई वहां पर और उसको फैमिली शो में लोग देख भी रहे हैं, हंस भी रहे, लेकिन बच्चे के मन स्थिति पर क्या गुजरेगी उसके बारे में इतना भी संवेदनशीलता नहीं। मुद्दे पर आते हैं, हम लोग मुद्दा से भटक गए हैं सर, हम चले गए बॉलीवुड और कपिल शर्मा के शो पर। मुद्दा यह है कि किसी महिला ने कम से कम ये जज्बा दिखाया विधानसभा में, आवाज उठी कहा कि बहुत सारे विधायक विधानसभा में बैठते लेकिन कोई इन मामलों पर चर्चा नहीं करता है, किसी ने चर्चा की और प्रभात खबर ने बड़ी प्रमुखता के साथ फ्रंट पेज पर जो है 2 मार्च को इस खबर को प्रकाशित किया। तो सवाल यही है कि क्या खबर दिखाने से, हम लोग भी खबर दिखा रहे थे, क्या खबर दिखाने से, क्या विधानसभा में आवाज उठाने से भोजपुरी से अश्लीलता गायब हो सकती है? पहल तो शुरुआत कहीं से, हाँ या ना, कहीं से ना कहीं से शुरुआत हुई है, गायब हो सकती है, हाँ या ना? उसके पास शक्ति इतनी है कि बिल्कुल गायब कर सकती है, हाँ। शक्ति तो विधानसभा के अंदर बहुत है, तो सबसे लेकिन पहले जज्बा होना चाहिए उसको समाप्त करने का। तो सबसे पहले जो लोग बड़े कलाकार जो है उनको पकड़ कर जेल में डाल दीजिए, तब बंद हो जाएगा। पहले पहले कानून तो बन जाने दीजिए, कानून ठीक है, कानून समझ गए कि अब कानून भैया तो नहीं बना है, तो क्या हो सकता है, हो सकता है कानून ही ना बने, तब सर क्या कीजिएगा? तो ऐसे ही कहेगा लोग, तो ऐसे ही, यही तो सवाल है कि विधानसभा में आवाज उठाने से क्या सच में अश्लीलता गायब हो सकती है? विधानसभा में आवाज उठाने से नहीं होगा, विधानसभा से कानून बनने से कोई चीज पर रोक लगेगी। अभी केवल आवाज उठी है, कल जब सभी लोग एक स्वर में यदि इस पर कानून बना दें तब देखिएगा, तब उसको कानून बनना और फिर लागू करना ये राज्य सरकार का काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून लेकिन, बनाना। लेकिन सजग हो जाएं, बिल्कुल, क्योंकि विधानस आप लोगों के इस तरीके के हरकत से अभी जो है सो बहुत लोग लज्जित महसूस कर रहे हैं। भोजपुरी अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, तो उन तमाम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप अश्लील को खत्म कीजिए, और खास करके जनता से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों को आप प्रमोट मत कीजिए, स्टार मत समझिए, और ऐसे लोगों को यदि अगल बगल में आ रहा है तो सामाजिक रूप से बहिष्कार कीजिए। बाकी सच में भोजपुरी में सुधार की जरूरत है, सुधार करेगा कौन, हम लोग को भी सामने आना पड़ेगा और सिंगर लोग को भी बड़ी भूमिका निभाना पड़ेगा, क्योंकि जब विधानसभा में आवाज उठ सकती है तो विधानसभा से आप लोग सोच क्यों नहीं सकते कि हमारे लिए आवाज उठ रही है, कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कार्यों के
लिए नहीं बल्कि हमारे बुरे कार्यों को विधानसभा में उठाया जा रहा है। तो सोचने का विषय है कि आखिर चोली में रंग डालना उचित है या नहीं, सोचने का विषय है कि पियरी माटी से ढोड़ी को मूंदना सही है या नहीं, आप जो है खोदना ढोड़ी को सही है नहीं, तमाम हम अश्लीलता हम बात बोल रहे हैं। वकील साहब हैं, हमसे सीनियर हैं और प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट के, तो इनके सामने ये सब बातें उचित नहीं लगती। लेकिन जब हम खुले मंच पर खुले पटल पर इन सब चीजों की चर्चा नहीं करेंगे तो लोगों तक बात पहुंचेगी कैसे सर? वो आपका वे है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शर्म तो नहीं लग रहा हमारे बोलने? सवाल ये है कि कुछ शब्दों का अब यहाँ से जब हम बात करते हैं तो आपको खास करके और सजगता के साथ और संयमित भाषा का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े स्टार बन चुके हैं आप न्यूज में। हाँ। तो आपको भी जनता देख रही है। हम सर बोलते हैं इसीलिए उनको कटु लगे, कम से कम सीखिए तो सही। हम सर व्यंग कस रहे हैं, हम इनके बातों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आलोचना इसीलिए कर, आलोचनात्मक आप काम कर रहे हैं, इसीलिए इस चीज पर सभी को सुधार करने की जरूरत है। काहे कि आप भी भाई केस वोस लड़ते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों का तो दायित्व बनता है ना कि आप जवाब दे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।